मेरे YouTube चैनल्स के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें। समझो ना, कुछ तो समझो। हेलो, आदर, अभिनंदन, आवाज, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हूँ, मैं हूँ मुकेश कुमार तिर्थवानी और आज आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पे बेइज्जती की अदालत में। जी हाँ, ये वो मंच है जिस मंच पे बड़े से बड़े सितारे, बड़े से बड़े लोग आकर अपनी बेइज्जती कराने के लिए मरे रहते हैं। तो आज देखते हैं आज इस मंच पे कौन आया है अपनी बेइज्जती कराने के लिए। तो सबसे पहले जो बेइज्जती कराने के लिए जो सितारे मरे जा रहे हैं, उनमें सबसे पहले ना अपनी बेइज्जती कराने आ रहे हैं हिमेश रेशमिया जी। जोरदार मेरे पक गए हुजूर, नीचे भी हो रहा है सूर, बॉलीवुड का क्या है कसूर, नाक में डाला कुछ जरूर। अरे नहीं नहीं, मैं गा नहीं रहा था, एक्चुअली क्या है, ये मेरे नीचे ये पड़ा था, इस वजह से वो क्या फीलिंग्स ऐसे आने लगती, कहीं भी कुछ चुपता तो अपने आप ही ये आवाज निकलने लगती है। ओह, इतने लोग आए हैं मुझसे मिलने, बिल्कुल बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। अबे चुप कर, मैंने इस बॉलीवुड को आशिक बनाया और झलक दिखलाई है, और तो और बुढ़ापे में तूने बच्चों के साथ पिक्चर बनाई है और उसी की वजह से वो हीरोइनें वापस नजर नहीं आई है। चाहता बेइज्जती ना करूं, सलमान वैसे भी बहुत करता है। हिमेश जी, बहुत बड़े टाइम बाद देखे हो, बताओ आपके लिए क्या मंगाऊं, चाय मंगाऊं, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, बताओ आपके लिए क्या मंगाऊं। तेरे घर रोटी चाहिए, रोटी और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरे घर रोटी चाहिए, रोटी। मुझे एक बात समझ में नहीं थी, बार बार आप लोगों के घरों से रोटी क्यों मांगते रहते हो, क्या माजरा इसके पीछे, पहले क्या भिखारी थे क्या? मतलब इसके पीछे जो है ना, बड़ी वजह ये है कि मैं सैड सॉन्ग क्यों गाता हूँ। मैं सैड सॉन्ग इसलिए नहीं गाता हूँ कि लड़की छोड़ के चली गई, मेरे घर में लड़की मतलब बीवी एक नहीं है, तो कब तक बर्गर मैगी ये बना बना के खाऊंगा, मुझे रोटी चाहिए, रोटी, मुझे रोटी खाना। देख नहीं रहे हो अभी पहले से, और अभी मेरे गाल कितने सिकुड़ गए, कितने कम अंदर हो गए हैं, तो बस मुझे रोटी चाहिए, मैं रोटी इसलिए मांगता हूँ, हर एक कोई कहता तो मुझे तेरे घर रोटी चाहिए, मुझे तेरे घर रोटी चाहिए, उसका रीजन यही है। अच्छा हिमेश जी, एक बात बताए, सर्दियों में तो आप बेरोजगार हो जाते होंगे। सर्दियों में बेरोजगार वो वाला क्यों मैं हो जाता हूँ? जब तुम्हें जुकाम हो जाता है तब कैसे गा पाते हो? नहीं नहीं, उस टाइम पे मैं क्या है, खजूर का बिजनेस करता हूँ, खजूर का। समझा नहीं, मतलब खजूर का बिजनेस कैसे? कुछ तो मतलब कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। उसने मैं खजूर का बिजनेस करता, एक लास्ट सवाल आपसे, जब तक आप टोपी में थे आपकी चवन्नी भी चलती थी, पर अब आप खुद भी नहीं। कुछ तो इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है, बहुत बड़ा रीजन है। एक बार क्या हुआ, मेरे बगल वाले बंगले में चोरी हो गई,
अब बंदे ने क्या किया, बंदा लेदर जैकेट और टॉपी पहना हुआ था, तो सबने सोचा हिमेश रेशमिया चोरी कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा। थोड़े दिनों बाद में मंदिर से चप्पल चोरी हुई, उसमें भी बंदा लेदर जैकेट और टॉपी पहना हुआ था, तो उसके बाद में भी उन्होंने मुझे बहुत मारा। उसके बाद में एक बार एक हीरोइन को किस करके भाग गया, बंदा टोपी पहना हुआ था, बदले में मुझे मार पड़ गई। तो तब से क्या है कि मैंने टोपी और लेदर जैकेट हटा दिया, और जब से मैं अगर कहीं पहनता भी हूँ तो मेरे वो दर्द बढ़ जाते हैं और वो मार याद आ जाती है, इसलिए मैंने वो टोपी पहनना छोड़ दिया। फिर अब आप अपना गुजारा कैसे करते हो? गाने तो अभी आपके इतने आते नहीं है, फिर आप अपना गुजारा कैसे करते हो? तकलीफ तो बहुत है, लेकिन पार्ट टाइम में मैं थोड़ा कभी कभी सब्जी भी बेच लेता हूँ। बताऊँ आपको कैसे बेचता हूँ मैं? आलू ले ले, भिंडी ले ले, टिंडे ले ले, कुछ तो ले ले जरूर, कुछ तो ले ले जरूर। रुपए किलो मैं बेच रहा, सामने वाला है ठग रहा। 2 रुपए किलो मैं बेच रहा, सामने वाला है ठग रहा। इस रेट में मिलेगा ना कहीं, मैं भी हूँ यही, तू भी है यही, मैं भी हूँ यही, तू भी है यही। जल्दी से थैला लेके आ भी जा। तेरी रोटी दे दे, बदले मेरी सब्जी ले ले, दोनों मिलके नाचे जरूर, दोनों मिलके नाचे जरूर। आप लोगों के प्यार के लिए शुक्रिया। अब जाता हूँ, पर एक बार मेरे गाने जरूर सुनना, क्योंकि गुजारा नहीं होता है, क्योंकि इनकी बेइज्जती करते करते इनके गाने से मेरे पे भी असर पड़ सकता है। तो कृपया अपने आप को सेफ रखें और अगला एपिसोड जरूर देखें, जो कि फिर किसी नए स्टार को, किसी नए बंदे को लेके आएगा और बेइज्जती की अदालत में बेइज्जत करता रहेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।